से लड़ पे ओहो जल्दी भी करो कितने खून खराब ना हो जाए। ओहो डैडी जल्दी ना बाहर भी आओ। कितने कितने वो लड़ाई मार कुटाई तो पतपूर छाकर ओहो इधर नहीं मगर मत ठीक है कितने सोचते सर असि बेहोश क्यों हो गए असि नाश्ता नहीं किया आओ मेरे ना। तो माफ करी यार मुन्ने कुछ ज्यादा ही सटा मैं लग गई ने छड़ लाला मैं भी कोई तेरी जोड़ा भंग त्रोड़ के रख दिता है तो यार मैं कोशिश तो बड़ी की पर की करा सटे ज्यादा लग गई तेन। अच्छा लाला एक गल की समझ मनु यार तेरे जिना कोई ताकतवर तो दलेर होर होगा ना तो थरथलिया पाता पर पूरे शहर तो तू इस सिर सुट के लगा फिरना समुंदर जिन्ना डूंगा होगा ना उन्हें खामोश होंगे पुत्र चला कमरे सफाई करिए लाला मनु तो तू सफाई जुगा छड़े ही नहीं बकवास ना कर चलो इधर आ चल मने तू जरा फटाफट चीजा बाहर सुट दे मैं जरा चल नजमा बेटी मैं दफ्तर जा रहा हूँ तू जरा अपना ख्याल रखी हो सकता है अनकरीब दो में संडे आपस में लड़ पे उन्हें दोनों में चुपा में एक आध मर मुक जावे तू तो रुख नहीं करना।
बहुत अच्छा पापा, तुझे एक मिनट ना दफ्तर जाओ। ये कौन? ये फौजिया है पापा। अच्छा फौजिया है, चंगो ये फौजिया बेटी तू आ गई है, तुसी दोवे अंदर दा रुख करो ते मैं बाहर दा रुख करना। चला फौजिया। ठीक है सेठ, अजे तक रकम क्यों नहीं पहुंची? जल्दी ना रकम सीधी कर। मैं रकम दवी सदिया दे दे। सेठ फिर सानू जे दूजी बारी आना पिया रब दी सौ तेरी असी ती चुके ले जावांगे। नहीं नहीं तुहानू नहीं आना पेगा, मैं रकम पहुंचावांगा, मैं पहुंचा देंगा रकम। ए गल भुली ना, तू सानू चंगी तरह जानना। तुसी पैसे दे देके कदों तक अपनी धी दी हिफाज़त करोगे? कुछ चंगा जिहा मुंडा देख के तो विआह कर दिओ। तू ठीक कहने रमजान दीन, हुण मैं इहो जिहा मुंडा लभांगा जिहड़ा मेरी रकम ते मेरी धी दोवां दी हिफाज़त करेगा। एक होर वेख फौजिया, छड्ड अड़ीए शादी विच की रखिआ। नहीं फौजिया, औरत मर्द दे सहारे दे बगैर नहीं जी सकती, एक ना एक दिन तो शादी करनी पैंदी। पर एडी भी की मजबूरी हुंदी है, मैं तो सारी जिंदगी शादी नहीं करांगी कि हर वेले कपड़े तो बर्तन मान नमक थोड़ा मिर्च बहुती है ते बच्चों का रोना सारी जिंदगी अजाब च पै जांदी है। पर एक ना एक दिन तो शादी करनी पैंदी है। ओ क्यों वक्त आएगा तेनो आप पता लग जाएगा। तू इत्थे बैठ, मैं इन्हां नाल निबड़ के आनी हां। क्यों क्यों ना आके बचा? और मैं तेन और सजा दिया ना, सारी जिंदगी याद रखेगा। किरायेदार तरकीब सोच बचन की नहीं तो सू कट ही देंगे घरों। अच्छा मेरा ख्याल है मोटे को माफी मांग लेंगे। गल तो बड़ी चंगी की, चलो तो बस करो, सोफा मुक गया। एक चीज मांगते हम तुमसे पहली बार। की चाहिए सर साहब, चीज का नाम लवो। इस उम्र में चीज का नाम किस तरह लवा, शर्म आती है। फिर भी दसो तुसी सेठ साहब। मैंने तीह लई बार चाहिए पर मुंडा नेक ते शरीफ होना चाहिए। मेरे तो भरा शनाख्ती कार्ड ते मुहम्मद शरीफ लिखा हुआ सेठ साहब। शनाख्ती कार्ड ते लिखे है फिर जरूर शरीफ होवेगा, नाले मैं एक तीर नाल दो निशाने कर लांगा। पर नहीं, मैं गरीबां दी तीर ले सकना पर गरीबां नूं तीर दे नहीं सकता। अल्लाह करे तेरा वाह किसे कुत्ते दे बंदे ना पवे। लाला इत्थे तो कोई मोटा नहीं है ना, तू हर ले बकवास ही करता है। चल कटे शरारते सीधे रह गए, और जो तू कुछ शरारत की ना तो मैं तेरे मुझे चंड मार देनी है। अच्छा लत टुट गई। फिर लत टुट गई, जो दोवे किसी की लत टुट जाए तो फिर
और चाचा साढ़े कोई लत तोड़े ना तो असि कुंडी ला देने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੌਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਸਿਆਲ ਕੋਟੂ ਮੰਗਾਰੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਹੈ ਉਹ ਡੱਬੇ ਨੇ ਤੋੜੀ ਹੈ ਡੱਬੇ ਡੱਬਾ ਪੀਰ ਨੇ ਡੱਬਾ ਪੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਡੱਬਾ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੱਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਮਾਲੂਮ ਕਰ ਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ ਅੱਲਾਹ ਪਲਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੋ ਲਫੰਗਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੇ ਲਫੰਗੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਤਨ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੈਂ ਜੋ ਘਬਰਾ ਕੇ ਵੇਖਣਗੀ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਰ ਤੇ ਡੱਬਾ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਈ ਕਿਉਂ ਦੈ ਓਹੋ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਡੈਡੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖਪਤੀ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਕੰਗਲੇ ਮੁਫਲਿਸ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੁਯਸਰ ਨਹੀਂ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਘਰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਅੱਗਾ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ 109 ਵੀ ਫੜ ਲਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਡਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਨਾ ਮੰਗ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੇਲ ਚਲੋ ਪਾਪਾ ਛੱਡੋ ਸਾ ਉਹ ਛੱਡ ਲਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਸਾ ਕੋਈ ਲਾਜ ਸ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਾਲਾ ਉਸ ਮੋਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸਦਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਦੌਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਐਪ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਛੱਡ ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਧਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੁੰਨੇ ਕਮੀਨਾ ਕਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਸ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਮੁੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੰਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਓਹੋ ਲਾਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਸਾਈਂ ਜੀ ਬੜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲ ਦੱਸੋ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੱਚਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਈਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਬੜੀ ਅਰਜੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਹੋਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਇਹ ਲਾਲਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੌਲਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਆ ਪਈ ਬਸ ਸਾਈਂ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਬਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਸਾਈ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਚਲਾ ਜਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਾਈ ਜੀ ਯਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਾਲਾ ਬੋਰੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨੋਟ ਹੀ ਨਾ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਇਸ ਹੱਟ ਕੇ ਬੁੱਧਨ ਲੱਖਾ ਪਤੀ ਹੱਟ ਕੇ ਬੁੱਧਨ ਲੱਖਾ ਪਤੀ ਹੱਟ ਕੇ ਬੁੱਧਨ ਲੱਖਾ ਪਤੀ ਲਾਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਕਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਇੰਝ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕੇ ਮੁਸਲਮ ਖਾਓਗੇ ਇੰਝ ਮੈਂ ਮੁਲਕੇ ਮੁਸਲਮ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇੰਝ
नजमा बोले तेरे मसलम खाएगी और मोटे जहां मोटा है ना अगर उसने सानू हम गालियां कटे ना तो मैं उसकी पीली बार काट देगा और मोटे मैं दो मिनट इस थापे की तीन दो गलाते करता जावा ओ यार रहन भी दे वक्त तो पहले गल नहीं करी दी होती आपे चंचड़ेगा तो कुल आलम देखेगा ओ लाला कुल आलम ते देखेगा ही लेकिन तुम्हें पता है कि मेरे टेंट च गल नहीं रहती मैं तो पता नहीं रात किवें गुजारी एक मिनट ठहर ते जा कौन मैं बगैर सलाह तुम अर्ज की है कि तुम ये बोरी वेख रहे हो की तकलीफ है कोई तकलीफ नहीं आएगी इस शाम नू पूरी परी होगी नोटा के नाल पता है रात में मैं लखपति करोड़पति बन के आवांगा ते अगर तुम्हारे अब्बा जी पुरानी जी बिल्डिंग देखना चाहना तो शाम नू आके मनु मन ला इसलिए मेरे को टाइम नहीं स्थान है ओहो मुन्ने की हो गया चल यार छेती चलिए बड़ी देर हो गई है चल आ जा अच्छा चल चली जा माई चली जा जिन मुंह जोर लगता तेला कितले हो के ज्यादा नुकसान कर जा 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 बोरी पुत्र जाके पूछ रहे तेरे रेस कोस दी मुन्ने बेड़ा गरक होवे उस झूठे साधु दा उन्हें ते साडे कोल कख भी नहीं रहन दिता कोई गल नहीं लाला निबड़ना ने उस झूठे साधु नाल एहो जी कुंडी लावांगा के सारी हयात ही नहीं खोल सकेगा आ मेरे नाल और दस कुड़िए की गल है साढ़े को झूठ ना बोली मेरी मां पैसे दे लालच विच एक बुड्ढे नाल मेरी शादी करना चाहती है अच्छा ते ए गल है ते ए गल ते सी आप भी नहीं चाहते मैंने बचा लो साईं जी अच्छा तो फिर डर ना कुड़िए जे ओ बुड्ढा है ते असी ते जवान हां नहीं नहीं ऐ सुन साडियां बाहां विच आ जावे ते असी तेरी सारिया मुश्किलां हल कर दईए मैं शीत लगिया नहीं एक शोर मचाएंगी ते बदनाम होएंगी चुप रहेगी ते किसे नु पता भी नहीं चलेगा ਕਿਥੇਰਾ ਝੂਠਾ ਸਾਈਂ ਓਏ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਾਊ ਸਾਈਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਦਾਂ ਲੈਣ ਡਿਆ ਚੀਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਓ ਪੁੱਤ ਕੰਬਲੇ ਹੋ ਗਏ ਵਾ ਓ ਸਾਈਂ ਹੋਰੀ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨ ਕੱਢਣਾ ਓਏ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਦੜ ਕੁੜ ਚੜਾਉਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਦਫ਼ਾ ਕਰ, ਚਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਹੈਗੇ ਹੈ? ਚਲਾ ਸੀ ਚਲੋ, ਠਹਿਰ ਜਾ ਲਾਲਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈ, ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਆਪ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਫਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇੜੇ ਛੱਡੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੱਸ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਲੈ ਪੀ ਪਾਣੀ, ਹੋਰ ਪੀ ਲਈ, ਤੂੰ ਪੀ ਲੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਓਏ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਆਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਰਕੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਸੋਚਣਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਲਾਲਾ, 100% ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆਜਾ ਆਜਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਇਹ ਭੋਰੀ ਖਾਣ, ਹੈ ਇਹ ਭੋਰੀ ਖਾਣ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਲਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਣਗੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਈ, ਇਹ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਪਾਪਾ 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 ਨੇ ਨਾ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਕੀਲ ਚੀ ਦਾ ਨਾ ਖਾਧੀਆਂ ਕਰ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪੇੜੇ ਪੇੜੇ ਖਾ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਦੇ। ਪਾਪਾ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਲੋਟ ਘੱਟ ਨੇ। ਕਿਹਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਓਏ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਟੱਕ ਸਕਣ। ਜੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਸਿਰਫ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਫੜਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣ ਸਿਕੰਦਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੰਧ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਈਂਟ ਆ ਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੋਸਤ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਣਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਪੀਲੀ ਪੱਤੀ ਤੂੰ ਲਖਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਹਮਸਾਇਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਗਿਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕੁੜਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਤਲਾ ਕਿਸ ਲੈ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਹੜੇ ਨੋਟ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਖੂਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਲਓ ਮਿਠਾਈ ਖਾਓ ਤੇ ਚੈਨ ਬਣਾਓ, ਵੇਖੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਣਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਲਾਲਾ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ,
तू ऐ समझदा है कि लोगों को दौलत पहले मिलती है तो इज्जत बाद च ते सानू इज्जत पहले मिल गई है तो दौलत मिल ही जाएगी। इस तो बाद की अमीर हो गए बाबा जी लखपति हो गए पहले महल च किसी को भी पंजी रुपए फल ले दे सन और तो भी गए भी पंजी की गल कर दो गल है डैडी। अच्छा ना बंधन जी कितने जा रहे हो? मैं कितने शहर दे छुड़फा दी बड़ी शरीफ जी मीटिंग है ते मैं ओदी सराहत करनी है दे ना लावांगा खाना खुना खा लेना। गुड बाय 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 अल्लाह रहम करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेर साहब तुसी इत्थे? शहर दी मक्खी पूछ रही है चेता इत्थे की करन आया? आशिक हर जगह पहुंच जाते ने डाक खाने तोप खाने गुसल खाने बवर्ची खाने या फिर पागल खाने। जी 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 मैं तो किनी बारी समझाया मेरे ना जरूरत तो ज्यादा बेतकल्लुफ ना होया करो मैं हो जी लड़की नहीं हैगी हूं। आहो मैं एक फिल्म देखी थी ओदे वे गाना थी पर मैंने कुछ ना कही मैं हो जी लड़की नहीं बाबे बाऊ नु आप पता लंदी है एदा मतलब है तुसी मन पसंद की कोशिश कर रहे हो। खैर कोई गल नहीं दिल तोड़न वालियां गल्ला ना करया करो। देखो गल सुनो मैं तो मूंगफली नहीं सिखवाई है खवाई थी ना कल मैं तो वास्ते इमली ते अमलोग लेके आया सा पर मेरे तोहफे ठुकरा दें भी मेरा कई कसूर है। मैं के सेठ साहब जी तुसी इत्थे तशरीफ रखो जी मैं तुहाडे वास्ते चाह मंगानी। छेती मंगाओ मन बड़ी भुख लगी है ना कोई खान पीन जी चीज मंगवा लें। हेलो मैडम। हेलो चाय लो। अच्छा जी हाँ की गल है मैं तुम बहरा ना रहा हूँ लड़की साढ़ा तारुफ करा एक ही चीज़ सेठ साहब सेठ साहब सेठ साहब तुसी इन्हें नहीं जानते नहीं ये बहुत दिलेर ते जीदार बंदे ने। अच्छा तुसी इन्हें ना बैठो मेरे डांस का वक्त हो गया मैं तैयार हूँ चली हूँ मैं भी चला सेठ साहब जी मैं क्या थोड़ा कद कितने को मेरा तुसी कोई सूट वगैरह बना दे हो? जी नहीं मैं थोड़े को गली दा बल्ब फिट करवाना थी। की मतलब? मेरा मतलब है थोड़ी तालीम कितनी को होगी ऐ कोई पैसे वगैरह बस कमा ली दें। मैं मौसीकी की तालीम नहीं पूछी शुगल शुगल हाँ दो चार बंदे दो चार मिनट मार देना मेरे दाया दा काम ते जे तुहाडी भी किसी लगदी फबदी होवे ते मैनू खिदमत दा मौका जरूर देना। बाजी ऐ कुड़ी मेरे तो नहीं मरवा सकदा। की मतलब? मेरा मतलब है छोड़ो इस गल्लू तुसी शाम चार बजे चाह पींदे ठीक है रोज पी भी दी कल चार बजे चाह तुसी मेरे घर आके पीनी है सवा चार बजे आए तो चाह ठंडी हो जाएगी। ऐ मेरा पता है काट खाने के बारे में क्या पहली मुलाकात में जितने बेतकल्लुफ ना हो खुदा दे चार बज गए ने उलम तीन गजे तक नहीं है चाह भी ठंडी हो गई हो। वालेकुम अस्सलाम मैं ड्राई दी तबीयत मिला तशरीफ लो तुम्हारे चार बज गए ने जी चाह ठंडी हो गई लेकिन फिर भी गर्म हो सकती है तशरीफ रखो। थैंक यू जी। रख ली जी मैं कि तुसी कल्ले ही आए हो बाल बच्चे नहीं आए? सेठ साहब अजय तो मैं आप ही बचा हूँ। लगता तो नहीं पर शायद हो सकता है। मैं कि इतन में मकान पसंद आया? सेठ साहब माशाल्लाह बड़ा सुखी कराना है तुम्हारा। दरअसल मैं फैमिली प्लानिंग का बहुत कायल हूँ और तुझे सुनया नहीं बच्चे कम खुशहाल कराना। काश तुसी कभी मेरा घर देखो सेठ साहब। अच्छा बड़ी खुली कोठी है। किडी खुली? चार पांच कनाल च जी। तुम्हारा मतलब है नौ कनाल? जी जी गुलबर्ग का खुला इलाका है। मैं तो मेरे नौकर की कर दे यकीन जानो सेठ साहब कोठी खान नु पैंदी है। जो कोठी तो अनु खान नु पैंदी है तुसी कोठी नु खान नु पै जाए करो। दरअसल तुन मजाक दी बड़ी बुरी आदत है। नजम बेटी ओ सवेर वाली चाह आज मैं चौधरी होना वास्ते नीम गरम करके लिया। अच्छा पापा जी लो जी हुन चाह भी बनानी पड़ेगी। कुछ तो बोल किस जे लगा सच पूछे तो मन कुछ जो चचिया नहीं कोई पुराना शिकारी लगता है पर तेरा की ख्याल है? मेरा भी यही ख्याल है। लम्बा ही लम्बा चल चाह बनाई हूँ। सेठ साहब सिर ते बुजुर्ग तेरा कोई नहीं ते अपनी शादी की गल आप नहीं ना कीती जांदे। ये भी ठीक है आज तो तू सानू ही अपना बुजुर्ग समझ जे अगर रहन देवे ते फिर ते सेठ साहब तुहानू भी
میرے غریب خانے دے آنا پے گا غریب خانے تے جے روڈ تے 108 نمبر میرا بنگلہ جی اوتھے تے پاگل خانہ وی کمرہ نمبر کی دسیا سی نہیں جی بنگلہ نمبر 108 جی ہاں بنگلہ نمبر 108 اچھی ضرور آواں گے تھینک یو جی اچھا جی سیٹ صاحب تہاڈی بڑی مہربانی مینوں نہیں اجازت دیو تہانوں ہاں میں اجازت ہے پر نہیں میں تہانوں آپ چھڈ کے آواں گا اس لیے کہ تسی واپس نہ آ سکو رشتے داری جو ہونا لیے آؤ میرے نال چکا چلا گیا میرا خیال ہے انکل نے دینا لاٹری کٹ دیتی ہے تو ہوں سانو یہ کارگو آ ویکھنا چاہیے بالکل ٹھیک ہے پرسوں چلا گی تو یاد نہ لا جائی ویکھنا جو گل میں تیرے نال کر سکتی ہوں پاپا نال تو نہیں کر سکتی ٹھیک ہے لالا اے لوگ تے منوں کوئی وڈے نوسر باز لگدے ہیں او تو تے یار میں پاگل ہو گیا او تے اپنی تھی اے اونوں جتھے ویاہ جتھے نہ ویاہ تو ہمیں خام خا کیوں لالا ساڈی اکھاں دے سامنے ایک معصوم دی زندگی دا کھانا خراب ہو رہا ہے تے اسی چپ چاپ دیکھتے رہیے اے کس طرح ہو سکتا ہے او پاگلا تو کہنا تے ٹھیک ہے پر اسی کی کر سکنے ہاں لالا تنوں دی کوٹھی دا نمبر یاد ہے کیڑی کوٹھی دا نمبر او جڑا ہن دس رہے سن ہاں او تے منوں یاد ہے پر کی کریں گا कुंडली जो लाड़ी है بہت دور نکل گئے اسی کس طرح پہنچا گے شکر ہے منہ اسی بھی انشاءاللہ ہمیں پہنچ جانے بس باہر ایک موٹا جہا آدمی آیا وہ تو پیس بھی آیا بکواس نہیں کر رہے یہ تو ساڈا بڑا قیمتی شکار ہے ایسا سامان جلدی چک لو نیلم بسم اللہ بسم اللہ تن پاگ چھڈے آو جو پیٹی ڈر رہی کوئی گل نہیں آو آو تشریف رکھو بسم اللہ معاف کرنا جی میں کہ اسی یہ پوچھنا ہے تسی جوا تے نہیں کراندے جی شراب تے نہیں پیندے میری عادت ہے کہ جب تک 100 غریباں نوں روزہ کھانا کھا لواں میرے سامنے برکی نہیں لگدی تندور اپنے 100-150 عورتوں میں حج بھی کرا چکے ہیں جی کی گل ہے مرد نے تھوڑے تعلقات خراب نے خالی عورتوں نو حج کرایا تسی نہیں جی ان وچ مرد بھی شامل ہے ماشاءاللہ ویری گڈ تے 40-50 لاوارث لڑکیاں دی میں شادی بھی کرائی ہے جی تسی شادی دا دفتر کھولے نہیں سیٹ صاحب 40-50 شیخ صاحب رام چوہنا بلائے بھی تاڑی قسم ہے مولا دی قسم ہے 150 نال تے سرکار نے آپ کیتی ہوئی ہے بکواس نہیں کر رہے دبا جا معاف کرنا سیٹ صاحب انہوں مزاق کرنے کی عادت ہے اچھا تسی برا نہ کوئی گل نہیں بندے کو بڑے شکاری لگتا ہے دیدی میں خیال ہے تو چلنا چاہیے اے ٹھیک ہے چلنا چاہیے اینیا سوالوں دے جواب تے میں کدے پولیس نوں نہیں پیسن کی گل ہے پولیس وی ایتھے رشتے واسطے آ چکی بھگ نہیں ہوئے جیڑا میری گل نہ سمجھے میں اوں کو سونا بنا لینا خبردار ہوئے میرے نال جسمانی مدد نہ کری میرے نال اور ذات نے بکواس بند کر بند کر کون جو تسی بھائی جان اسی نہ دے گوئی تے بڑی مشکل نال اسے پہنچیا کیوں لالا ٹھیک ہے پتر ہاں تے پھر بڑی آسانی نال واپس جاؤ گے لالا اے بندہ تے بڑا ہی لیچڑ لگتا ہے اینو چھیتی فارغ نہ کر دی کہنا تے تو ٹھیک ہے پترا تے پھر لالا کڈی لائی دے اچھا Oh, my God.
करके वेरी गुड वेरी गुड भाई, तुसी बड़े फास्ट बॉलर हो, पूरी टीम एक मिनट में आउट कर देता है। इस वेले मेरे जेब में कुछ नहीं, वरना मैं तुम जरूर इनाम देता। फिलहाल तुम घर छड़ के आओ, सानू कोई और कुत्ता ना पै जाए। चलो पापा, असीं तुहानू घर छड़ देने आओ, टैक्सी ते जावांगे। हां टैक्सी ते चल। हुण सुणा, तू ठीक कहंदी सी, शुक्र करके बच गई है, नहीं तो फस चली सा नौसर बाजन के चक्कर विच। नौसर बाजन का भी पता रह गया, एक दलेर बंदा भी सामने आ गया, तो फिर लड्डू वंड, लड्डू भी बंडांगी, तो सुल्तान के सिर का धक्का भी लावांगी। अच्छा तो फिर हूं मैं चल रही हूँ। नहीं फौजिया, मैं खालू कहता सी कि फौजिया मैं अज नहीं भेजांगी, तू ऐसे ही सो जा। चल शाबाश। Thank you.
सिकंदर नजमा नूं काबू करन तो पहले उन्हां दो आदमियों नूं काबू करना बहुत जरूरी है। ते उन्हां दो आदमियों नूं काबू करन लई जाल भी नवा चाहिए ते चाल ते उन्हां दा कुछ उतार तू अगे भी लाना है। कोई गल नहीं सिकंदर, जे उन्हां दा उधार बढ़ता जा रहा है ते मेरा इंतकाम बढ़ता जा रहा है। मैं अंदर आ सकना हूं? ओह आओ जी, क्यों नहीं, ये ताड़ा अपना ही घर है जी। पहले तो नहीं सी। मैं माफी चाहनी हूं, तुसी खड़े क्यों, बैठो। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। चाचा जी कितने? उसे डॉक्टर बल गए नहीं। डॉक्टर? दरअसल मैं किराए की गल कर रहा हूं। छोड़ो जी किराए नो, तनु क्या जो है कि ताड़ा अपना घर है। वाकई? अच्छा तो फिर मैं रानी कहा आप ही आके गल कर लेंगे। खुदा फिर। नहीं नहीं बैठो, तुसी चाह भी नहीं पीके गए। मुन्ने कितों आ रहे? नजमा दे घरों के आ रहे। नजमा दे घरों के आ रहे, उसे कोई गप नहीं मारिया? नहीं लाला, मैं ऐसी कोई गप नहीं मारी जी थोड़े शान के खिलाफ। अगर तो बड़ी घट कीती है, गप्पा मार मार के सारा जमाना मगर ला रहे, हाले कोई किसे बाकी है? लाला मैं तो थोड़े पिछे हाँ, जिथे कहोगे लगा चला। जिथे कहोगे पिछे लगा चला, शरारती ना हो ते। गल सुन, हुण कल तो असी निकलेंगे नौकरी तलाश। ठीक है, शरारतों से नहीं करेगा, गप्पा भी नहीं मारेगा, झूठ भी नहीं बोलेगा, कुंडी भी नहीं लाएगा, याद रखी। मेरे कपड़े तैयार हो गए ने। कपड़े कल लै जाना। पागल दा पुत्रा, शादी ते मैं अज आ रहा, कपड़े तू कहना कल लै जाना। भाई जान जी मेरा कारीगर बीमार हो गया, इस वास्ते कपड़े तैयार नहीं हो सकते। कारीगर तेरे नूं लगे अग, मैं कपड़े लेने ने हुणे, नहीं ते मैं बिज़त कर गया। जा बड़े वेखे तेरे वर्गे, जा जो कुछ हंदे कर लै। ओ लोले कपड़े नहीं देने। तुसी कौन हंदे हो, मेरी गल बोलन वाले? जा दुकान अपनी है, संभालो। बहुत बहुत शुक्रिया लाला, आ जा। सूट टाइगिंग करा देना।
ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੂਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਜਰਾ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਲਾ, ਵੈਸੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਕਵਾਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੂੰ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਜਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਾ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਸਰ। ਕੋਈ ਹੈ ਬਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ? ਕੋਈ ਹੈ? ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਦੁਪੱਟਾ ਜਰਾ ਧੋ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜਰਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੇਗਾ ਯਾਰ, ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੇਗਾ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੈਲੋ, ਦੇਖਿਆ ਨਜਮਾ ਬੇਗਮ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲਖਪਤੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲਖਪਤੀ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਖਾਨਾ ਸਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਟੋਰ ਜਮਾਈ ਫਿਰਨਾ, ਨਿਬੋੜਾ ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਰ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਤੇ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਦਸੇ ਨਜਮਾ ਬੇਗਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਟ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਦ ਮੈਂ ਹਾਲੈਂਡ ਗਿਆ ਮੁੰਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਏ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਚ ਡਾਕਾ ਮਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਹਾਂ ਸਰਿਆਮ ਕੀ ਕੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਖੁਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਖਰਕ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾਲ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ? ਹਾਂ ਤੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਣ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਬੜਾ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਨਿਲਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ। ਕਿਧਰੇ ਨੂੰ ਸਕਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਲਾ ਬੋਲ ਪਏ ਗਾਣੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਟੰਗ ਲੈਣ ਤੇ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਆਦਮੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹ ਸੂਟ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਹਵਾਰੇ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਲਾ ਲਾ। ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਓ। ਬਸ ਫਿਰ ਆਓ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੁੰਨੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਖੋਲਣਾ ਦੂਸਰਾ ਗੱਡੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ। Oh, my God.
माफी दे दो बच्चा कह तेन माफ कर देना एना नहीं अपनी गल हो लगी माफ करना बेन सर इना नलायका नहीं करके जाओ बैठ में चादर लागे दे लो बड़ी मुश्किल का कंट्रोल नहीं चाहिए बकवास करने आ रहे ने चौकदा रहना नजमा नी नजमा की सोच रही है लगता है कि सुल्तान दे शुद्धा पू सवार है तू आप ही दस बंदा अपने मुझसे नल प्यार ही ना करे अच्छा ते गाल लेतो तो कर पहुंच गई पर उस विचारन ते गाल ता पता भी नहीं हाय हाय ते तो इतना करो देना दिल दी गाल भी नहीं कीती किस तरह करा उधर ना कल्याण मुलाकात ही नहीं हुई ते तेरी मुलाकात असी करा देने आ तू कल 5 बजे बाग विच पहुंच जाए ते कुछ ठीक है जे प्यार दा सबूत मिल जाएगा ते यकीन ही कर लांगा ते मेरी अखां विच देखो जे ए तुहानू प्यार दा सबूत ना दे सकिया तेरा अपने सब काट देंगे नजमा नजमा तेरे नाम ही लग चुके सुल्तान नजमा किधर मेरे को दौलत वेख के तू प्यार तेरी शुरू कर देता जे दौलत पैसे का ना होता है तो फिर मैं तेरा राख नहीं तकती मैंने तेरे प्यार की दौलत चाहती है समझ ले नजमा कि मेरे प्यार ते सिर्फ मेरे छोटे भरा आके मैं इस दुनिया सब तो ज्यादा प्यार अपने मुन्ने नु कर रहा चोरी तेनू प्यार किता है थोड़ा जिया नहीं बेशुमार किता है तेरे कोलो चोरी तेनू प्यार किता है थोड़ा जिया नहीं बेशुमार किता है आ सजना ओ सजना Thank you.
मजबूर इकरार किया है, थोड़ा जिया नहीं बेशुमार किया है। जाल मैं ढूंढना चाहता सा डार्लिंग, उदा सब तो मजबूत धागा मेरे हाथ में आ गया। ते हुण इस धागे दे नाल इस पुतली नूं दिन रात नचावांगा। पर जल्दी ओ ते सुल्तान दे सामने नच रही जान, ए ओ तीर है जिहदे नाल मैं दो निशाने करांगा। इसलिए कि ए सुल्तान नूं चाहुंदी है ते सुल्तान दा भरा इहदे नाल प्यार करदा है। जान मैं चाहना कि तू किसी ना किसी तरह सुल्तान के भरा यकीन दवा देवे कि नजमा तेरे नाल ही प्यार कर दी, अपने भरा नूं कह के इस दा रिश्ता मंगे। मैं सब समझ गई। सुल्तान नूं ही पता लग जाएगा कि मेरे नाल मत्था लाण दा की नतीजा है। जे तेनूं मेरे दिल की गल समझ नहीं आई तो एक बार फिर गाना शुरू कर दे। एक इंसान दे दिल जिन्ना प्यार हो सकता नजमा, और प्यार मैं अपने मुन्ने नूं दे चुका हूं। मैं तेनू उसे मुन्ने दा वास्ता दे के तेरा दिल मंगनी है सुल्तान। जे तू मैनू अपने दिल दी रानी ना भी बना सके ते मुन्ने दी नौकरानी बना के घर लै जाए। नजमा इनकार इस सोच के करे सुल्तान, जिवें तू मुन्ने दे बगैर जिंदा नहीं रह सकता इस तरह मैं भी तेरे बगैर जी नहीं सकती। मुन्ना मैनू मां समझदा नजमा, माँ प्यो औलाद के सामने यह गल सोच भी नहीं सकते। तू सिफारिश यह ली है कि मैं तेन अपनी जिंदगी बनाने तो इनकार नहीं कर सकता। अपने कॉल तो फिर ना सुल्तान, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। नजमा मैं तेन व्याह के अपने दिल की राणी जरूर बनावांगा। एक मर्द का वादा है ते मर्द का वादा अटल फैसला होता है। सुल्तान की कह रही है ते जो तू सुन रहे नजमा ते तेरे प्यार विच पागल हुई है। ओहो हो, क्यों मनु पागल खाने पहचाना है। वैसे एक बारी मैं नजमा दे घर गया था। अच्छा, पर मैं तो उतना गल ही नहीं कर सकया था। हाय किथे नजमा ते किथे मैं, जमीन आसमान दा फर्क है। अक्ल नाल काम ले आप सुलेमान, तू स्मार्ट है सोना भी लखपति भी है। नजमा ते आप पागल हुई फिर दिए, उन्हें क्या है जिन्नी छेती हो सके मेरा रिश्ता मांग ले। रिश्ता मांग यार, लाले नाल गल करने की हिम्मत ते नहीं पैंदी। वैसे मैं कोशिश करांगा। हां जरूर, खुदा चर्बी चढ़ गई, सानू नजर ही कुछ नहीं आ रहा। ओहो एनी भी की कंजूसी हुई के लखां दे मालिक ते पैदल जा रहे ने, जे गड्डी खरीदन दा हौसला नहीं ते कम से कम टैक्सी च बैठ जांदे। ओ जी नजमा बेगम गल है कि सानू दरअसल पैदल चलने का बड़ा शौक है। क्यों मुन्ने साढ़े अजकल टेट शेट बद गया ना, तो तुम्हें पता सर डाइटिंग शाइटिंग कर रहा है। वैसे भी तुम्हें पता अगर बंदा बैठा रहे तो उन्होंने दिन के दौरे पैन लगता। तो फिर एक दौरा अच मैं तुम्हें पाना चाहनी हाँ, पूछो की ओ ए
ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਓ ਜੀ ਨਜਮਾ ਬੇਗਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਦੁਆਵਾਂ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਵੋ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਵੋ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਲ ਵੇਲਾ ਕੁਵਤ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਮੁੰਨੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਨੇ ਲੂਣਾ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਦਾ ਗਲਾਸ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤੂ ਨਹੀਂ ਪੀਓਗੇ? ਨਾ ਮੈਂ ਸੱਤੂ ਪੀਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ। ਓਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ ਪੀਊ ਦੇਗਾ। ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ। ਪਗਲੀ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ। ਆਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜੀ, ਬੂਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਤ ਨਾਲ ਖੋਲੀਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇਈਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਿੱਸਾ? ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਸਰ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸਰ। ਓਏ, ਮੈਂ ਪਾੜੇ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਬਮਾਏ ਸੂਦ ਵਸੂਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਯਵਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਣਾ ਬਾਊ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਫੁੱਲ ਚੜੀਏ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
मुसरत आज रक्स जरूर होएगा, बैन वक्त के मुताबिक होएगा। पेस्ट्री ना खा तो पेचिश लग जाएगी। और नहीं मनी असी तो बर्तन धो रहे तो घर च आराम सुती होगी। फिलहाल होटल के डेक च मान जाओ पुत्र जी। प्लेटा घट तोड़ पुत्र, जो जो प्लेटा टूट रही ने मेरे कलेजे हाथ पै रहे हैं। बरखुरदारो जे ते बर्तन तोड़न की यो स्पीड रही ना तो तुम सारी जिंदगी होटल तो बाहर नहीं जा सकते। बर्तन तोड़ते रहना तो नौकरी बधाई जाना। और जी सानू कि जनाने काम पाता जे चाचा जी, साढ़े को तो कोई बंदे शिंदे मरवा लो, पर खुदा ना मानता जे और भांडे ना मजवाओ साढ़े को। रब का वास्ता जे मैनेजर साहब, तुम इन्ना सोहनिया मुछा का वास्ता जे। थैंक यू बरखुरदार। उस लाल कोट का वास्ता जे। बिल्कुल थैंक यू बरखुरदार। साढ़े को भांडे ना मंजवाओ, साड़ी कुवत इरादे कमजोर हो रही है। ए वेखो वट्टी वट्टी का कसूम तोला पाउन का मौका मुन्ने। जे तुसी वाकई दलेर हो, कुछ करके विखाना चाहते हो तो आओ मेरे नाल बास कोल, तुहानू कुछ करन दा मौका मिल जाएगा। चलो जनाब, नेकी दे पुछ पुछ आम उन्हें चलो ला। लो जनाब, वादे के मुताबिक जवानों की जोड़ी हाजिर है। थोड़ी देर के बाद जोड़ जवाना का तुसी आप देख लोगे। क्यों मुन्ने? ठीक है लाला, कुंडी लानी है ना, ला देंगे। जिस मैदान च यहो जे जवान हो उस मैदान च मौत भी नहीं आती, टुटे क्यों आ सकते ने? सर मेरा तो मशवरा है, तुसी गुंडियां नू पैसे दे दियो, खून खराबे नाल साडी क्लब बदनाम हो जाएगी। शड़ा शरीफ आदमी ने ऐसे सोचने थे हर माले च गुंडे पैदा किए ने। साहब जी जे तुसी हुक्म करो ते इस क्लब नू गुंडियां दा कब्रिस्तान बना दी। ओ गुड, वेरी गुड, मैं तुहाडे नाल आ। तुसी जाओ ते प्रोग्राम शुरू करो। मुसर गो मेरे साहब, पहला अमीर आदमी वेख्या जड़ा इन्ना बहादुर है। थैंक यू थैंक यू। चला मुन्ने। चलो लाला। की गल है? मैं अंदर नहीं जाना, मैं डर लगता है। हाँ साढ़े होंगे ठीक है। सुलो ठीक कहती है, इन इतने रहन दे ते असी चलने। चल फिर लाला, आप ही कुंडी ला ले। अच्छा खवातीन हजरात, प्रोग्राम तुहाड़े सामने हुण पेश किया जाता है। लाला ते म्यूजिक किन्ना ने बजाना? तुहानू साडे हुक्म दा पता नहीं लगा? नहीं भाजी, गल ये कि असी तो अपने सच्चे रब का हुक्म मनने वाले चो, किसी और हुक्म नहीं मनते। तो फिर अज तू बाद बदमाशा का हुक्म भी मन लग पोगे। देखो भाई जी, इस तो पहले कि मैं कुंडी ला लवा तुसी इतों चले जाओ, मैं थोड़े तो बड़ा तरस आता। तरस ते तेरे प्राते लोग गाँगे जो तेरी लाश तड़पेगी तेरे वेण पाएगा। Ah!
شریف تے میرا نام سن لین تے انہاں دی نبض رک جاندی ہے او کیڑا سورما ہے جنہیں تڈے چہرے تے نشان پا کے بھیجے اے جرت سلطان تے دے پرا نے کیتی استاد اے انہاں تاڈی دھمکی تے دعویٰ سنیا سی اے نہیں انہاں سب کچھ سنن تے جانن دے باوجود سانو بے عزت کیتا استاد اے انہوں تے مار دینا چاہیے سی شرافت دی کچی کن ہن میں آپ ڈاواں گا سجنو شریف جدو غصہ کھاندا ہے گنڈا بدماش کدو نیڑے آندا ہے سجڑو شریف جدو غصہ کھاندا ہے گنڈا بدماش کدو نیڑے آندا ہے او میں کوئی جھوٹ بولیا کوئی نہ میں کوئی کفر تولیا کوئی نہ جیوندا رہے سونیا جیوندا رہے سونیا لا 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 رو 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 پا 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 یا 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 چپ کریے بندہ کیے بندے دا بگاڑ سکتا مرنا تے اک دن تانوں ڈریے جدوں کوئی جوان سر ڈر لاؤندا اے گنڈا بدماش کدوں نیڑے آندا اے جوندا رہے سونیا جوندا رہے سونیا لا 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 رو 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 پا 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 یا 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 کدی بھی کسی دے نال کرو نہ برائی ہر کم سوچو تسی سب دی بھلائی لاوے بدماشی کوئی انج پو اونوں جیویں پیڑے پترے نو پیندا اے کسائی ہفتے چ اک دن غصہ آندا اے گنڈا بدماش کدو نیڑے آندا اے سجنو شریف جدو غصہ کھاندا اے گنڈا بدماش کدو نیڑے آندا اے او میں کوئی جھوٹ بولیا کوئی نہ میں کوئی کفر تولیا کوئی نہ جیوندا رہے سونیا او جیوندا رہے سونیا لا 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 رو 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 پا 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 شاباش جوانو جو آخیا سی وہ کر وایا جی واقعی شریف کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا او انکل تھینک یو تھینک یو واہ بھائی واہ کمال کر دیتا تو تے دوما تے خوب نچے ہو اج تا پہلی واری شیر دی دلیری تے چیتے دی پھرتی کٹھیاں ویکھیے اے دل کدا تن کوئی ویل بول دیا پر حالات میرا منا بجلی دیو تارے
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰੰਟ ਤੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਨੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਖਤਰਾ 440। ਤਨ ਹੌਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਇਸ਼ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿਆਮ ਉਹ ਕਿਆਮ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁਫ਼ਤ। ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਆਪ ਲੱਖਾ ਪਤੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨੀ ਮੁੰਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਲੈ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਏ ਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਜੀ ਵੀ ਨੀ ਚੱਲਦੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸੋਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਰ। ਚਲੋ ਮੁੰਨੇ ਚੱਲੀ, ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀ ਚੱਲੋ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਓ ਨਾ, ਚਲੋ। ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਅੱਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਜੁਕਣਾ ਤੇ ਵਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਖੁਦ ਲੱਖਪਤੀ ਨੇ। ਲੱਖਪਤੀ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪਤ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਦਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਦਾਰ ਕਦੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦੌਲਤ ਅਕਸਰ ਬੇਸਮੀਰ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲੀਆਂ ਚ ਰੁਲਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਖਪਤੀ ਹਾਂ? ਲਾਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਲੱਖਪਤੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਖ? ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਭਰਾ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਲੱਖਾਂ ਚ ਲਾਇਆ। ਉਫ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਲੱਖ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੰਡੀ ਸੰਜੀਤ। ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਪੁੱਤਰ? ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਕੋ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲੀ, ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਸੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਪੁੱਤਰ ਸੇਠ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਕਿਸਾਂ ਗਵਾਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਹਮ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮਸਾਇਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪਾ। ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਚੁੱਪ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਰ ਬੱਚਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਫਰਾਹਮ ਕਰ। ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਸੁਲਤਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਾਲਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਖਾਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਵਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਪਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਲਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਾਪਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੰਗ ਲਓ। ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੜਦਾ, ਨਜਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਨਜਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੁੰਡੇ ਮੁੰਡੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜੋੜਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਦਰਵੇਗ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੇ ਹੱਥ ਚੋਟੇ। ਯਾਰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਲਾਲਾ ਨਜ਼ਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ ਨਜ਼ਮਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਲਾਲਾ ਨਜ਼ਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। सारे दुख मेरे सुखा नाल वंडा ले मुन्ने, मैं नजमा नाल तेरा व्याह जरूर करावांगा, जरूर करावांगा मुन्ने। शरारती पुत्र तू कितने चलना सवेरे सवेरे? लाले ने बुखार है, मैं ना दवाई लैन चलिया। कमाल है, इन्हें आई कोई शरारत नहीं की थी, ज्यादा तबीयत खराब होएगी होती। कमाल है, इन्नी गरीयत सानू दसे बगैर तू बीमार हो गए। जरा पसीना आ जाए तो तबीयत ठीक हो जाएगी। लेटे रहो पुत्र, लेटे रहो। हमने मैं तुझे वाली आना सी, मेरी इन्नी किस्मत की थे। मैं सच कह रहा पापा, तुहाडे नाल एक जरूरी गल करनी सी। हुक्म। तुहानू नजमा वास्ते मुन्ना पसंद है? मेरे लिए तुसी दोवे इक्को जे हो। नजमा दी पसंद जे ते पुछ लैणी चाहीदी है। नजमा मेरी धी है पुत्र, ओ औलाद नहीं। जिहड़ी निक्के हुंदिआं राह पुछदी है ते वड्डिआं होके राह दसदी है। बस ते फिर गल पक्की समझो, अज तो नजमा मेरे मुन्ने दी मंग है। शुक्र है मौला, है बाहर तो सिरों लता। मेरी धी नू लखपति खान मिल गया तो मेरी आज़मत समर गई। नजमा, नजमा बेटे। जी डैडी। सुल्तान रिश्ते वास्ते राजी हो गए, उन्हें कहा मैं 19 तारीख नू सलमान नू सिरे बन के ले आवांगा। सिर तो लेके पैर तक सवाल पढ़ के आई है, पर मेरे को तेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। नजमा, मेरे तिहारी सवाल भी शुरू नहीं हुए ते तेरे जवाब भी मुक गए। एक पासे तेरी अखां विच सारे जहान दी बेबसी ते दूजे पासे मेरे भरा दियां सदरां। मैं अपने भरा दी मैयत ते खलो के अपने सिर ते सेरा नहीं बन सकता। नजमा, मैं मजबूर हाँ। इस वास्ते मैं अपना प्यार अपने भरा की चोली विच पा देता है। तू मेरी इस मजबूरी नू मेरी इल्तिजा समझ के कबूल कर ले। मैं एक मशरक की धी हाँ सुल्तान, जिदे लई मां प्यो का किया होया फैसला बड़ा कीमती होता है। जिहड़ी शादी पहले करती है ते प्यार बाद च, ते ओह वी सिर्फ शौहर नाल। बदनसीब सुल्तान, जेड़ी कुछ भी नहीं कह सकी। तू बदनसीब नहीं नजमा, तेरे जी पाक दामन औरत अपने ते की अपने खावन दे नसीब विच जगा सकती है। मैं अपना सारा प्यार अपने शौहर दे कदमां च कुर्बान कर देंगी, इसलिए कि मेरी इबादत है। पर मैं उन्हें यह किस तरह यकीन दवांगी कि वो मेरी जिंदगी च आने वाला पहला शख्स है जिन्हू मैं प्यार दिया नजर नाल देखिया है। गुनाह दिया उन्हें कड़िया का की हिसाब होगा जड़ी तेरी मोहब्बत गुजारिया ने। मेरा शौहर मैं पाक ते मासूम समझेगा, दस्यागा तारी है कि नहीं। मैं तेरी मासूमियत ते पाक दामनी की कसम खाना मैं नजमा। तेरी कसम नाल मेरे गुनाह नहीं साबित हो सकती, मेरी गई हुई अना वापस नहीं आ सकती। मैनू यह दस, तेरे छोटे भरा नाल शादी करके मैं तेनू ओदा वड्डा भरा समझ के अपना पुराना जान वाला। मैनू कुछ समझ नहीं आती।
मैं कुछ समझ नहीं आती। इस जमीन पर जाकर मैं इधर विच समा जावा। मैं वो गुनाहगार हाँ जिन्हें औरत औरतपन खत्म कर देता है, जिन्हें ईसा जन्म देता है, मूसा जन्म देता है, जिथे गोद नबी पैदा हुए ने, मैंने 10 महीने की सजा होनी चाहिए। नजमा मुन्ना आ कुछ पता नहीं चलना चाहिए। नहीं सुल्तान, मैं उधर कुछ नहीं लुका सकती। मैं तेरे की हाथ जोड़ना, उन्होंने कुछ पता नहीं चलना चाहिए। उन्होंने ना दसना भी तो खतरा रही है, ना मैं दस सकनी ना मैं लुका सकनी हूँ। मैं किस मुसीबत फंस गई हूँ। नजमा सिर्फ आज 10 दिन गुजार ले, आज नहीं तो उन्हें कल पता लग ही जाएगा। कल खोरे आने भी एक ही देखी। लाला नजमा जी वेख के क्यों शर्मा गई है? तू तो खुश है ना? बहुत खुश है लाला, बहुत खुश है। तेन खुशी होना चाहिए। शायद किसी ने किसी को कुचल दिता है, वो बेचारा चीख भी नहीं सकिया। मैडम किसी बदमाश ने तुम्हें पैसे तो नहीं दे देते कि तुम मेरी जान ले लो। माफ करना जी, गलती हो गई है, पर कोई अकलमंद सड़क के विचकार इस तरह नहीं टुटता। चलो ऐसे बहाने मैंने तुम्हारी खिदमत करने का मौका मिल गया। पर मेरी गल तो सुनो। कोई गल नहीं सुनी, चलो बाकी गल उठे जा करा। चलो लो कि एक जनाब दा सारी ट्रैफिक रोकन तू मकसद की सी? जो तो अल्लाह ताला ने तुम अखा भी इनिया मोटिया मोटिया दितिया ने। जिंदगी चार चफेरे नीरज गिरी होवे ते अखा तो दिसना आप ही बंद हो जाता है। दूर ते नजदीक दी अर्श है अनेरिया च गुआच जाती है। जिंदगी ते मौत दा फासला बड़े तवील हो जाता है। एदा मतलब है कि तुसी खुदकशी करना चाहते सो? जिंदगी खून का अख्तियार भी जिंदगी बख्शन वाले नहीं है। इसलिए तो जिंदगी दे चंद सावां नाल प्यार करना चाहिए सुल्तान साहब। जदों सावां चो जहर दी हवा आड़ लग पावे ते ओ इसा दूजे दी जिंदगी लई खतरा बन जाते ने। ते इहो जिहा इंसान चित्रों भी लंघदा है। सिसकियां ते फरियादां दियां दास्तानां छड़ जांदा है। मेरी चंद लम्हे दी इत्थे मौजूदगी किधर तेरी जिंदगी दा सुकून बर्बाद ना कर दे। Thank you.
शायद ठीक कहते हो असी वाकई बदनामी का वह इश्तहार हाँ जिहड़ा हर गली हर महले हर दुकान पर लगा होता है। इसलिए तो मैं अपने आप में इस इश्तहार की इबारत नहीं बुलाना चाहता जिन लोग पढ़न पढ़ के हसन तुहाडे तो कौन हस सकता है सुल्तान साहब जग हसाई ले ते असी काफी हाँ जो दिल रोंदा होवे ते लोगों सामने झूठे हासे हसने पैंदे ने ते फिर भी कोई सानू इस काबिल नहीं समझता कि साडे नाल दो गल्लां ही सच्चियां कर लवे मगर झूठ ते फरेब दीआं दास्तानां सुनदिआं सुनदिआं साडे सिरां विच चिट्टे वाल आ जांदे ने ते फिर तुसीं इस चोर दी दुनिया चों बाहर कियों निकल आंदे अपना ही दंगे ते उहदा इलाज कोई नहीं होंदा
जिदे नाल प्यार दी आस पाई सी उन्हें इस क्लब की रौनक बना दिता है। एक गलती जिंदगी का रोग बन गई है। मैं उसका नाम पूछ सकना हूं? इस क्लब का मालिक अमजद, जिन्हें अपने प्यार का चासा दे के मैनू अपनी रोजी का जरिया बना लिया, तो मैं उन्हें तकदीर का लिखा समझ के कबूल कर लिया। और मैं कर भी की सकती सा। अमजद, उन्हें तो मैं बड़ा मासूम इंसान समझता सा। मासूम आदमी इस फरेब की भरी दुनिया च तुहाडी फरिश्ता सूरत च शरीफ आदमी नजर आया सी, पर तुसी ते मेरी पहली आस ही तोड़ दिती। सुल्तान ते इस दुनिया च लोगों के दुख मनाने लिए पैदा होया है। मैं तेरे दुख मनाने की भी कोशिश करांगा। हेलो, मैं हूँ आई। सुल्तान साहब, तुसी मेरा इतने इंतजार करो, मैं हूँ आई। यस सर। तेरे रक्षा हो चुका है, लोग तेरे इंतजार कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने इंतजार कर दिया थे सिर्फ चंद मिनट होने, मैंने तोड़ा इंतजार कर दिया मुद्दत गुजर गई है। दूजिया का इना ख्याल ते साडे वालों इनी बेरुखी। तेरी जबान किने बदली है? मेरे जमीर ने। तेरा जमीर पहले कितने सी? तेरे झूठे वादियों के जाल जाके वह सौरत तो विछड़ गया सी। चला अपना कारोबार करने ले अपनी गैरत बर्बाद कर दी गई है। जो आज इस झूठे मर्द को पछाण गई है तो फिर तू भी उन्हें समझ जा सेठ। ए हीरा व्यान ले नहीं, हीरा दी कमाई खान ले राजे ने मसरत। तू ऐसे वालों कंड मोल ले ऐसले कि ऐस कमीने लो रन्ना दी कमाई खान द चस पै गया। ए खुजे मर्द आदत ही करी औरत की इज्जत कर देने जाति कर औरत की चमड़ी के चेहरे से चुड़िया नहीं पै जा दिया। सुल्तान कंजर भी अपनिया पैरों नु रचाने ने पर अपनिया होने वाली बीवियां की कमाई नहीं खाते। दस है मैं तेनू की कहवा? रब ने औरत नु चार ना दिते ने, मां बीवी भैन ते बेटी। तू मैनू की बना दिता है? दस है मैं तेरी आने वाली बीवी नु किस ना तो बुलावा? बस कर सुल्तान, अज तेरिया गलां या मेरी गल चला दी। अज मैं अपनी औकात तेरी असलियत का एहसास हो गया। काश तूने गल पहले की होनी। जिन्या गलां कर सकना है कर ले, हो सके तो अपना वसीयतनामा भी लिखवा ले। इसलिए कि कुछ देर बाद तू मर जाना। ओए कच्चिया ते खरूबे, ये से तेरा वसे ते स्वाद आ जाएगा। ओए एहो जिहा वसांगा कि जल थल कर जाऊंगा। ओए मेरा उठे हाथ वेख के तेरे वर्गे बदमाश पसीने विच डुब जाते ने। तू की शर्म you
कतल ले फिर आवांगा। तू की कीते मुझे जे पता होंदा जद कि मर के तेरे अन्ने करीब होना है फिर रब दी सोहा मैं कदों दी मर जाती हूं जद कदों दी मर जाती बदमाशी जी कन्ना ते कानून भी टकरान लग्या सोच ही बह जाता है ए शरीर की सोच के बार बार टकरा रहे ने। सिकंदर तू की चाहना है कि शोला बुझन तो पहले एक वार भी ना पड़के ताड़िया इना चूटिया भड़का लेते उन्होंने इना हौसला दिता है कि उन्हों का हथ मेरी एक टका पहुंचे पर रज मैं बदमाशी नो चुक के इना शरीफा दे बुए ते ऐसा ले जावांगा प्याज तो बाद बदमाश दा ना सुन जाई हर शरीफ का दा बुआ अपने ही खुल जाएगा। कमदार एना मारांगा सिकंदर शरीफ दे कार तक पहुंच जाए या मर जाएगा या मेरी तरह इंसान बन जाएगा। ओए मेरे कड़े दी मच्छी मैनू ही निकलन आई। बड़ी देर बाद पता लगा सिकंदर कि बदमाश दा सिर आसमान नाल भी लग जाए ते शरीफ तो निवा हुंदा है। शराफत दे ऐस पुपले नू ऐसा नाच नचावांगे शरीफ होना क्या बन जाएगा। मेरे मोहसिन वाल कम करके खड़ हो जाए नहीं तो कुत्ते की मौत मारे। शराफत साढ़े पैरों तो जदों भी उची हुई है उन्हों ऐसे तरह कुचलिया ते कुचल और समझ जाएंगे जिन्हें कई बारी गल से चुक के कीती है। आ शरीफ दी भी आज जान चढ़न आ रही है बॉस। जनाजे चुकवा जाएंगे शरफू और शरीफ देवी ते उदी शराफत देवी। बड़ी मेहरबानी तुम जाके ते मजमा नु तैयार कर दे। अच्छा जाओ तो शाबाश। मेरे मुन्ने दे सिर ते सच के तू होर भी सोहना हो जाएगा सेरिया। सेरे नु ते तेरे माना दे खून ने बड़े ही सजा दिता सुल्तान। मां दी झोली च सिवाय दुआ दे ते औलाद ते दुखां दे और की हुंदा फसिया। पर ये क्यों भूल गया सुल्तान क्यों जिंदगी जी सिर्फ एक ओरी प्यार कर दी ते एको नाली करती है ते नजमा तनु प्यार कर चुकी है। फौसिया चली लड़की मेरे मुन्ने नु पसंद नहीं करती मैं उन्हें किवे पसंद कर सकना वा। जाके नजमा नु कह दे कि मैं अपनी जिंदगी अपने मुन्ने दे नामे ला देती है वो अपना दिल दे देवे। उन्हें जहर खान का फैसला कर लिया। नहीं लोग सच कहते ने लाला मावा दे कदमा थले जन्नत होती है ते उन्हें मावा का हौसला बड़ा ही वत होता है बड़ा ही वत होता है। मुन्ने की गल खैर ते है ना लाला उठते सिरे अपने सिर ते मुन्ने ये तो की कह रहे मैं सब कुछ सुन लिया लाला और चलिया तो फिर की होया। मैं नजमा के घर तेरी जांच लेके जानी है लाला। हाँ और तेरी मांग है मुन्ने और मेरी भैन है लाला। मुन्ने लाला सारी
सारी जिंदगी साढ़े दुख बनाता रहा है, एक दुख सानू भी तो बना लें दे। नहीं मन्ना, नहीं लाला, जे मुन्ने नू मां मिल रही है ते उन्हों मिल जान दे, मनु मंग नहीं मां चाहती है, मां चाहती है मुन्ने। ची 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 सारे कलिया छटके नस गए। तू नस ना में जाए ते नस नहीं सकता बेगैरता। और कदी गंगा भी उल्टी वगदी ते कदी बेगैरता भी गैरत मंदा दी कंड वेखी है। उना गैरत मंदा दा मुंह ते वेखा। जा 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 जिथे जिथे जा सकनी है जा, जिनू जिनू बुला सकनी है बुला। मैं देखना चाहना वा तेरी डोली चुकदा कौन है। जा जा ना। जिन्ना पैड़ा दे प्राण जीवन दे होर उन्ना दी डोली ते तत्ती दे हो सकती दुर्गेशाय। एक डोली दे चार कहार होंदे ने, कुछ और बुला ले। तू कला ये पहाड़ किन चुकेगा? अरे त्राते पैड़ा ले धरती नो मोड़ा दे कि भी खलो जा देने डोली भी चुकागा ते तोड़े चला दे चुकागा। मेरे मुन्ने की आवाज नहीं आ रही, रब दे सारा
अज मैं तुहानू सारे नू बेआवाज कर देंगा। नहीं ते मौत का सदा लेके मैं आ पा रहा सी और मैं साढ़े दुआ दे सा कठे मुकावांगा और जिन्हें प्रमोद जिसम गैरत का खून लवे उनके साथ मौत मुझे टक सकती आज मैं तेरे सा मुका देगा ये फिर तगड़ा हो जाओ कुंडी लाई जड़ी मैं कभी भी खोल सका मुन्ने